हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तरुणा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फ्लिपकार्ट हॉल। मैंने फ्लिपकार्ट से फर्स्ट टाइम शॉपिंग करी है एंड मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट से परचेज के कुछ टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, एंड मैंने फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी है। सो मैं आप लोगों के साथ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे इनकी क्वालिटी वगैरह कैसी लगी। प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड इनकी जो स्टार्टिंग है वो है 100 रुपीज़। मैंने काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में परचेज किए सारे के सारे प्रोडक्ट। फ्लिपकार्ट अभी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई, सो आप लोग भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं एंड इनके जो लिंक्स है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट टी शर्ट जो मैंने लिया है वो है मेरा ये वाला ब्लू कलर का एंड ये मैंने लिया है रोडस्टर का। सो ब्लू कलर का क्रॉप टी शर्ट है, काफ़ी सुंदर सा कलर है इसका एंड इसमें जो मैंने साइज़ लिया है वो है मेरा स्मॉल। इसका जो प्राइस है वो है 399 रुपीज़ बट मुझे ओनली 125 रुपीज़ में मिला था। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये टी शर्ट मिला है एंड इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसकी स्लीव्स दी हुई कुछ इस तरह से, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी स्लीव्स है। बहुत ही सुंदर सा कलर है एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। एंड नेक्स्ट टी शर्ट जो मैंने लिया है वो है मेरा सेम रोस्टर का। रोस्टर के जो टी शर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे थे मुझे। सो ये वाला मैंने लिया है ब्लैक कलर का टी शर्ट रोस्टर का एंड यहाँ पे रेड कलर का रिब दिया हुआ है, रेड एंड ब्लैक कलर का। इसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपीज़ एंड मैंने सेम साइज़ लिया, इसमें मेरा स्मॉल और क्रॉप टी शर्ट है ये भी, और ये भी मुझे मिला था ओनली 125 रुपीज़ में। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये टी शर्ट मिली, इसकी फैब्रिक की क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट अगेन मैंने लिया है ये वाला टी शर्ट और ये है मेरा ड्रेस बेरी का प्लेन टी शर्ट एंड इसमें मैंने जो अपना साइज़ लिया है वो है मेरा स्मॉल। इसका प्राइस जो है वो है 99 रुपीज़ बट मुझे आई थिंक ये 200 रुपीज़ में मिला था। ग्रीन कलर का टी शर्ट है, काफ़ी सुंदर सा कलर है, क्रॉप टी शर्ट है ये भी एंड इसकी जो स्लीव्स है वो कुछ इस तरह से है, प्लेन टी शर्ट है और इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बहुत ही हल्का सा फैब्रिक है बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है इसका एंड मुझे ये टी शर्ट भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी एंड सेम पिक्चर जो है वो मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी, एग्जैक्ट कलर दिख जाएगा। एंड नेक्स्ट जो मैंने लिए है वो है मेरा ट्राउज़र और ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, टाइम से मुझे ये पसंद था बट इसका जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई था। इसका जो प्राइस है वो है 1999 रुपीज़, 2000 रुपीज़ से है इसका प्राइस बट ये मुझे ओनली 400 रुपीज़ में मिला है, सिर्फ 400 रुपीज़ में मुझे ये ट्राउज़र मिला है एंड इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड प्रिंट जो है वो है टाइडाई एंड कुछ इस तरह से है, स्काई ब्लू एंड येलो कलर का, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत सुंदर सा लग रहा है। नीचे कुछ इस तरह से है, नीचे यहाँ पे इसके बिल्कुल इलास्टिक दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर सा प्रिंट है इसका एंड सेम साइज़ जो मैंने लिया है वो है मेरा इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल बट फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका इलास्टिक है और यहाँ पे बांधने के लिए दिया हुआ है एंड यहाँ पे इसके पॉकेट्स भी दी हुई है। तो फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने लिया है मेरा ये वाला ब्लैक कलर का ट्राउज़र, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है। इसमें जो मैंने मेरा साइज़ लिया है वो है स्मॉल। इसका जो प्राइस है वो है 1599 रुपीज़, 1600 का है ये टोटल एंड मुझे ये ओनली 400 रुपीज़ में या 350 में मिल गया था, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला था। इसका जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड स्ट्रेट ट्रैक पैंट है ये वाला। सो पूरे के पूरे इस पे ग्रीन कलर की पट्टी लगी हुई है फुल लॉन्ग लेंथ तक, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है ऐसे ट्रैक पैंट्स पहने हुए भी। और इसमें मैंने मेरा जो साइज़ लिया है वो है मेरा स्मॉल और इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका इलास्टिक लगा हुआ है एंड इसकी पॉकेट्स नहीं है आई थिंक, तो इसकी पॉकेट्स नहीं है, ये विदाउट पॉकेट्स है बट काफ़ी अच्छी खासी लेंथ है एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। फैब्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिल गया था। और मैंने लिया है मेरा ये वाला और इसका जो कलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगेन मैंने सेम साइज़ लिया है स्मॉल, इसका जो प्राइस है वो है 1499 रुपीज़ बट ये भी मुझे 400 या 450 रुपीज़ में मिल गया था। फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब सॉफ्ट फैब्रिक है बिल्कुल एंड इसका इलास्टिक कुछ इस तरह से है, यहाँ पे बांधने के लिए दिया हुआ है, विदाउट पॉकेट है, पॉकेट्स नहीं है इसके अंदर एंड ये पहनने पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। सो लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी खासी लॉन्ग लेंथ दी हुई है,
फैब्रिक की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, प्राइस काफ़ी अच्छा है एंड 1499 रुपीज़ इसका ओरिजिनल प्राइस है, बट मुझे ये मिला था ओनली 400 या 450 रुपीज़ में। काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा कलर है इसका, बहुत ही ज़्यादा सुंदर फैब्रिक, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, समर के अकॉर्डिंग भी आप लोग इसे वियर कर सकते हैं एंड विंटर्स में भी आप लोग इसे वियर कर सकते हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा फैब्रिक इसका एंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कलर्स इसके अंदर काफ़ी सारे मिल जाएंगे और भी बहुत सारे कलर थे इसके अंदर, ब्लैक प्लेन भी था बट मैंने ब्लैक में वो वाला ले लिया था अपना साइड में जो पट्टी लगी हुई थी। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है ये वाला ब्लैक कलर का, सेम सस्प्राज ब्रांड का ये वाला एंड ये मैंने यूज़ भी किया, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा ये वाला। इसका जो प्राइस था ये मुझे मिला था, ओरिजिनल प्राइस मुझे इसका याद नहीं बट ये मुझे मिला था 600 रुपीज़ में। पूरा ब्लैक कलर का है एंड नीचे से कुछ इस तरह से इलास्टिक दिया हुआ है, सो ये मुझे थोड़ा महंगा लगा बट ये पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा था। इसमें मैंने साइज़ लिया है मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल एंड बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है इसकी, यहाँ पे कुछ इस तरह से इलास्टिक दिया हुआ है। फैब्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, समर में विंटर में दोनों टाइम पे वियर कर सकते हैं इसके। इसके साइड में पॉकेट्स भी दी हुई है, अच्छी खासी लेंथ है इनकी। सो ये कुछ इस तरह से है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है, कंफर्टेबल फैब्रिक है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये वाला। एंड लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है मेरा ये वाला, ये भी ट्रैक पैंट ही कह लो इसे। सो ये मैंने लिया था फॉरएवर 52 ब्रांड का एंड इसका जो प्राइस था वो था 1500 बट ये मुझे मिला था आई थिंक 598 रुपीज़ में मैंने इसको लिया है। बट ये बिल्कुल विंटर का है, मुझे लगा समर का बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इसको विंटर में ही वियर कर सकते हैं, समर अकॉर्डिंग नहीं है बिल्कुल भी। इसमें मैंने अपना साइज़ जो लिया है वो है स्मॉल। सो इसकी जो लेंथ है वो इतनी लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लेंथ है, सो इसको थोड़ा कट करना पड़ेगा और इसमें पॉकेट्स नहीं है कुछ इस तरह से, इसका इलास्टिक लगा हुआ है, काफ़ी कंफर्टेबल फैब्रिक है एंड काफ़ी अच्छा खासा है। क्वालिटी कलर काफ़ी ज़्यादा सुंदर, इसमें एक ये कलर था एंड इसके अंदर एक ब्लैक कलर भी अवेलेबल था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।